तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे चंद्रयान 3 मून पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 के दिन 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सिचुएटेड सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए एलवीएम 3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का इस्तेमाल किया गया। एलवीएम 3 ने टोटल 3 स्टेजेस में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। पहली स्टेज थी सॉलिड स्टेज, जहां 2 S-2000 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स का यूज किया गया था ताकि टेक ऑफ के लिए रिक्वायर्ड थ्रस्ट को जनरेट किया जा सके। इसके बाद आती है सेकंड स्टेज यानी L-110 लिक्विड स्टेज, जिसको 2 विकास इंजन पावर देते हैं। थर्ड स्टेज यानी C-25 क्रायोजेनिक स्टेज, जिसे लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम द्वारा ही डेवलप किया गया है। इसके बाद आता है सेकंड फेज, जिसमें अर्थ के ऑर्बिट में एस्टैब्लिश होने के बाद चंद्रयान 3 ने अर्थ के 5 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किए। हर रिवॉल्यूशन के बाद चंद्रयान की हाइट को बढ़ाया गया और हाइट के बढ़ने के साथ चंद्रयान की वेलोसिटी भी बढ़ती गई। फिफ्थ रिवॉल्यूशन पूरा होने के बाद चंद्रयान की वेलोसिटी इतनी हो गई कि उसको मून के ऑर्बिट में प्लेस कर दिया गया। इस प्रोसेस को ट्रांस लूनर इंजेक्शन कहा जाता है। अगर अभी की बात करें तो इस वक्त चंद्रयान मून के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और हर एक रिवॉल्यूशन के बाद चंद्रयान की हाइट को डिक्रीज किया जा रहा है। डिक्रीज करते हुए चंद्रयान की हाइट को मून सरफेस के पास लाया जाएगा। लूनर सरफेस के लगभग 100 किलोमीटर ऊपर लैंडर अपने आप को प्रोपल्शन मॉड्यूल से डिटैच कर लेगा और उसके बाद लगभग 23 अगस्त को मून सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट करेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग की। अगले वीडियो में आप भारत के कौन से ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।